के स्टूडेंट्स हैं और बी कॉम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं थैंक यू तृप्ति तो देखिए आपने पूछा ट्वेल्थ पास और बीकॉम स्टूडेंट सो so, आपको बताएं कि इंडिया में हर साल ऑलमोस्ट फोर्टी टू फोर्टी फाइव लेख like, स्टूडेंट बी कॉम में एडमिशन लेते हैं और उनमें से कितने बी कॉम स्टूडेंट हैं जो अपने करियर में सक्सेसफुली किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में या करियर में आगे बढ़ पाते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन है आप जानते हैं क्या एक तो कहीं ना कहीं बीकॉम स्टूडेंट जो है क्रेडिबिलिटी लैक कर रहे हैं उनके पास वो स्किल नहीं है जैसे कई बार मैं अपने इंटरव्यूज में इंटरव्यू लेता था जब मैं कंपनी में था सीनियर प्रोफाइल पे जूनियर प्रोफाइल पे मैं अकाउंट्स के लिए कई बार बीकॉम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता था सो so, इवन उनकी जनरल इंटरव्यू उतनी स्ट्रांग नहीं होती थी तो मैं आज बीकॉम स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली गाइड करूंगा कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में अब जैसे वासु भी हैं इन्होंने डी से ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया वासु के पास भी कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन जरूर रहा होगा कि क्या करें जैसे ट्रेडिशनली बहुत सारे कोर्सेज में लोग जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन चार्टेड अकाउंटेंसी कंपनी सेक्रेटरी एम करना है कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है दस दस साल हो जाते हैं मैंने देखा है और ऑलमोस्ट उनकी एज हो जाती है थर्टी थर्टी टू लेकिन वासु ने एक बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया आपने में ही यूएस के प्रेशर होगा। आपके सराउंडिंग में आप देखते होंगे तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में राइट सर आ, काफी ज्यादा डिफिकल्टी आई मुझे जब मैंने ये डिसीजन लिया टू तो बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि सर इवन मेरे जो रूममेट्स थे ग्रेजुएशन में क्योंकि मैंने डी से किया मेरे दोनों रूममेट सर सी एस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पर मैं कुछ नहीं कर रहा था अपने फर्स्ट ईयर में और उन्होंने शुरू कर दी थी सी की प्रिपरेशन और रात को फोन कॉल्स करते थे अपने बाकी फ़्रेंड्स को जो सी कर रहे हैं उनका एक अलग सा ग्रुप था मैं अकेला बैठा हुआ था सर कुछ नहीं कर रहा था तब तो मैंने ये सोचा कि मेरे रूममेट सी कर रहे हैं मैं क्लास में जाता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स सी के थु लिए कर रहे हैं वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने फाउंडेशन निकाल दिया हमने ये कर दिया ठीक है और कोई भी अकाउंटेंसी का क्वेश्चन आता है झट से सॉल्व कर देते थे अच्छा तो सर इतना डीमोटिवेट फील होता था कि यार मैं ही कुछ नहीं कर रहा है या मैं कुछ करूंगा भी कि नहीं करूंगा तो आ, सर उस दिन मेरे को याद आया मैंने ऐसे ही शाम को सोचा यार कुछ स्मार्ट डिसीजन लिया जाए कुछ हटके किया जाए बट जो शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाए मैं फिटनेस पे अपनी कंटिन्यू रखूँ साथ में फिर सर मैंने एक्सप्लोर करना कि शुरू किया यूट्यूब पे फिर मुझे आपका वीडियो मिला ई का और तब सर मैं दो चीज़ों में कन्फ्यूज था सी पी ए या ई ए करूँ तो उस टाइम पे सर मैंने जब मैंने ई का डिसाइड किया मैंने अपनी रिसर्च की मुझे समझ आया कि कोर्स का पोटेंशियल क्या है और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स उनको पता ही नहीं है तो मैंने तब किसी को नहीं बताया कि सर मैंने ई का सोच रहा हूँ सिर्फ मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताया फिर मैंने की मैं फिर मैंने पेरेंट्स से बात करी पेरेंट्स को कन्विंस किया हाँ सर मुश्किल आई काफी कन्विंस करने में क्योंकि वो अवेयर थे बाकी ट्रेडिशनल कोर्सेज के जैसे अभी आपने बताया उनको लेके

इस वर्चुअल वर्ल्ड में जहां पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आ रही है इंडिया इज ग्रोइंग तो तो फाइनेंस और अकाउंटिंग का इंडिया इंडिया एक हब है तो इतनी सारा मल्टीनेशनल कंपनीज में आ रही है इतना सारा वर्क आउटसोर्स होकर इंडिया में आ रहा है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है तो हमें ट्रेडिशनल कोर्सेज को नहीं सोचना चाहिए जिसमें पांच साल दस साल लगा रहे हैं अब ज, जनरली मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं मैं टू

आपके पूरे करियर को या तो ब्रेक कर सकता है या उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर सकता है लाइक यू आपने एक डिसीजन लिया अब जैसे आपने बोला कि सर मेरे फ्रेंड्स कंपनी सेक्रेटरी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वसु आपके रिलेटिव्स ने जब आपने जब आपने को ज्वाइन किया आप अपने फ्रेंड सर्कल में तो डेफिनेटली बात तो करते ही होंगे कि मैं ई कर रहा हूँ इन एजेंट कर रहा हूँ तो उनका रिएक्शन क्या होता था और आपने पेरेंट्स को किस तरीके से कन्विंस किया क्योंकि देखिए हमारे पास है ना पेरेंट्स आते हैं कई बार मैं उनसे जब टॉक करता हूँ वो बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे, बच्चे ने हमारी बिटिया ने रिसर्च की है और वो इन एजेंट करना चाहता है तो मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि देखिए इसमें ऑपरचुनिटीज बहुत ज्यादा है बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया सर पेरेंट्स को कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं था बट हाँ क्योंकि रिलेटिव्स की सुन के वो थोड़ा थोड़ा सोचते थे और मेरे को ना इनडायरेक्टली फील हो जाता था कि ये भी कंफ्यूज है जैसे आपका कोई रिलेटिव चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहा होगा तो सर, पेरेंट्स कई बार क्या होते हैं अपने किसी रिलेटिव से अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं हाँ, वो सी कर रहा है या वो डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रहा है या वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो उससे स्टूडेंट जो बच्चा होता है वो कई बार इन्फ्लुएंस हो जाता है और ऐसी लाइन में चले जाता है जो उसके लिए नहीं बनी है सो कैरी ऑन सर क्योंकि मतलब जैसे आप पेरेंट्स को कन्वे करते हो वो कहते हैं हाँ देख ले कर ले फिर जाके वो बात करते हैं मतलब किसी भी जैसे मेरे पापा ने बात करी मेरे चाचू से तो ऐसा होता है सर जनरली होता है वो डिस्कस करते हैं उनसे भी जानना चाहते हैं वो भी है तो वो भी उनको बोलेगे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है तुम जाके वो फलाना सीए कर रहा है यू शुड गो फॉर दैट ओनली वहां पे सर फिर दिक्कत कंफ्यूजन बनता है उसको टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पेरेंट्स का अगर वहां पे आपको सपोर्ट मिल जाए जो कि मुझे लग रहा है हर पेरेंट को देना चाहिए अपने अपने बच्चे को एक सपोर्ट देना चाहिए उनपे ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर वो कुछ करना चाह रहा है अपनी लाइफ में लेट्स गिव अ ट्राई वही चीज है सर कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जैसे आपने को कंप्लीट किया फिर आप में MNC's में जॉब के लिए गए मतलब जो कि आज आपके फ्रेंड सर्कल आज भी दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन कंपनी सेक्रेटरी कोर्स और नाउ यू आर यू हैव द कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस आल्सो आपको वन ईयर हो गया और यू आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी आल्सो सो आप पेरेंट्स क्या कहते हैं इस बारे में सर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी बट सर रिलेटिव के मुंह बंद हो गए सीधी बात बोलूंगा तो सो so, देखिए एक सही समय पर सही डिसीजन कई बार मैं पेरेंट्स से बात करता हूं हूं तो उनको ये बोलता हूं कि देखिए अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स नो डाउट बहुत अच्छा कोर्स है इंडिया में लेकिन कई बार हो सकता है कि आपके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं है देखिए क्या होता है कि सक्सेस आपके यहां पड़ी है आप उधर ढूंढ रहे हैं इसको तो जरूरी नहीं कि सक्सेस पाने के लिए आपको लॉन्ग रूट right. से ही जाना हो

आ, उनके साथ वो कर पाता हूं कि हाँ मैं समझ जाता हूँ कि ये स्टूडेंट का क्या बिलीफ है आगे जाकर अब सर स्टूडेंट आज के टाइम पे पैशन और प्रोफेशनलिज्म को साथ में लेके जाना चाहते हैं बिल्कुल सही बोल रहे आप राइट right, सर पैशन को नहीं छोड़ना चाहते सर स्टूडेंट जैसे यू आर इन फिटनेस मतलब आपको थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह बहुत पसंद है और साथ में अपने यूएस के कोर्स को भी तो सर स्टूडेंट्स की ये मेंटालिटी उनको प्रोफेशनलिज्म चाहिए साथ में पैशन भी कंटिन्यू करना है तो वहां पे सर ये चीज रोल प्ले कर दी कि छोटा कोर्स प्रोफेशनल उनको बना जाएगा

<laughs> हाइट के जितनी तो बुक्स आई हैं सच <laughs> में पढ़ लेगा तू क्योंकि वो वो मतलब तो तो आपको बोला जाए मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ एक ट्वेल्थ स्टूडेंट को बोला जाए कि आपको पांच साल देना है चार्टर्ड अकाउंटेंसी उसमें श्योरिटी नहीं है कि आप पांच साल में सीए बन जाओगे ऑलमोस्ट फोर्टी किताबें पढ़ना हो बीस सब्जेक्ट देना हो तो इनरोल्ड लेजेंट आपने तीन सब्जेक्ट पढ़ना है वन बाई वन पेपर करके आपको इसको पास करना है तो डेफिनेटली यूएस टैक्सेशन इफ यू वॉन्ट टू मेक योर करियर इज ऑप्शन तो सर जैसे कि जो एनरोल एजेंट का कोर्स है जी ये एक स्टडी है और जिन स्टूडेंट्स को टैक्सेशन स्टडी में जाना ही नहीं है इंटरेस्टेड ही नहीं है तो उन स्टूडेंट्स के लिए और अदर ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ यू डोंट लाइक टैक्सेशन सो क्या हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं ये आपका क्वेश्चन हो सकता है तो देखिए अगर आप ट्वेल्थ पास हैं या आप अपने बी कॉम स्टूडेंट की बी कॉम की जर्नी में हैं तो यू हैव अदर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल लाइक इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग गो फॉर यूएससीए में आप ग्रेजुएशन के बाद सीपीए कर सकते हैं वाइल्ड पर स्विंग ग्रेजुएशन आप एसी कर सकते हैं जैसे इंडिया के चार्टेड अकाउंटेंट है वैसे अमेरिका के चार्टेड अकाउंटेंट लाइक सीपीए यूके के चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक एसीसीए तो यस यू हैव ऑप्शन आप ऑडिटिंग में जाना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन स्टार्ट योर की जर्नी जो कि ऑडिटिंग का प्रोफेशन है इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर फाइनेंस सी एफ इज ऑल्सो सो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा और इंटरनेशनल कोर्सेज की ब्यूटी शॉर्ट टर्म स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशन बेसिस और इंडस्ट्री ओरिएंटेड और एक बात मैं और कहना चाहूंगा जो यंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं देखिए आपका लाइफ में कुछ चार पांच ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप सबसे पहले ऐसी चीज को सीखना चाहते हैं जो कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी हो बिकॉज ये सारी एग्जाम जो होती है ऑनलाइन होती है कंप्यूटर बेस्ड होती है तो एक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा दूसरा सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि यहां पर बहुत लॉन्ग लार की स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जैसे चार्ट अकाउंटेंसी में मुझे अपनी डेज याद है जर्नी की हम सीए के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते थे मतलब आपको मान के चलिए कि एटलीस्ट फाइव ईयर तो सिर्फ किताबों के बीच में गुजारना है यहां आप अपने अपनी हॉबीज को मेंटेन कर सकते हैं आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू वाइल्ड परसुंग योर यर स्टडी और एक और बात इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है इसमें आप इंडिया के बाहर जाते हैं तो भी इन कोर्सेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है चाहे फिर वो यूएस टेक्सेशन हो यूएस यूएससीएमए हो सी पी ए हो ए सी सी ए हो या सी आई हो तो क्रेडिबिलिटी जो है वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर है तो आप डेफिनेटली अदर कोर्सेज को भी क्या कर सकते हैं जो मैंने नाम लिया उसको कर वासु आपके ऐसे कोई पॉइंट जो आप को सजेस्ट करना चाहोगे सो राइट जैसे अभी सर ने बात करी इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा टैक्स में इंटरेस्ट था क्योंकि इनकम टैक्स जो मैंने बीकॉम में थोड़ा बहुत पढ़ा था मुझे लगा कि हाँ इसमें मैं आगे जा सकता हूँ मुझे इसमें चीजें समझ आ रही हैं तो ऐसे ही अगर आपको कोई और जगह पे इंटरेस्ट है तो अवेलेबल है उसके भी कोर्सेज ऐसा नहीं है कि टैक्स में ही कोर्सेज हैं तो देयर आर इन ऑडिटिंग इन अकाउंटिंग एवरी क्योंकि थिंग्स बिन चेंज अब ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल कोर्सेज है तो एक ही चीज़ पढ़नी पड़ेगी यू हैव हैव यू यू चॉइस विद वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है सर अभी आपने इंटरनेशनल कोर्सेज की बात करी दीज आर फॉरन कोर्सेज तो इनकी इंडिया में वैल्यू क्यों है इतनी देखिए सबसे पहले आपने बात करी कि सर ये सारे फॉरेन कोर्सेज लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि ये किसके कोर्सेज है अमेरिका के आपको पता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनॉमी कौन सी है अमेरिका पूरा वर्ल्ड अगर हम एक तरफ रख दे ना सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी को जोड़ दें उसका वन थर्ड पोर्शन अमेरिकन कंपनीज के पास डॉलर इज ए इंटरनेशनल करेंसी और इंडिया इज ए ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो हमारा शेयर मार्केट है ट्वेंटी फाइव थाउजें के ऊपर कर रहा है तो इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है इट्स अ डेवलपिंग कंट्री और आने ही वाला समय आपको पता है इंडियन अकाउंटेंट्स इंडियन टैक्स प्रोफेशनल्स हर कंट्री के टॉप पोजीशन पर बोलते हैं ना इंडियंस विल बी द ऑल सीएफओ मतलब जितनी भी कंपनीज होंगी उनके जो सीएफओ होने वाले हैं वो इंडियंस होने वाले हैं तो आपको अपग्रेड होना पड़ेगा और एक और बात मैं कहूंगा जैसे अकाउंटिंग फील्ड के बारे में बात करें आज वर्ल्ड है ग्लोबलाइज तो आज जितनी भी अकाउंटिंग हो रही है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे हो रही है लाइक आई एफ आर एस और यूएस गैप के बेसिस पे तो आप क्या सीख रहे हैं अगर सीपीए करेंगे तो आप उसमें यूएस गैप सीखेंगे आप एसीए करेंगे उसमें आप आई एफ आर एस को सीखेंगे आप इनरोल एजेंट करेंगे आप यूएस टैक्सेशन को सीखेंगे तो आज जैसे अमेजॉन इंडिया में तो अमेजोन है तो यूएस की कंपनी ना उसको टैक्स तो यूएस में भरना है और आपको पता है कितने सारे लोग पी आर पे के बेसिस पे अब्रॉड जाते हैं तो उनको अपने टैक्स के कंप्लाइंस के लिए एक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है यूएस कंपनीज जो इंडिया में भी टैक्स पे कर रही है और इंडियंस जो यूएस में भी इंडिया ऑलमोस्ट फोर मिलियन से ज्यादा लोग यूएस में रहते हैं इंडियंस आपको पता 60 जो है जो वो होटल इंडस्ट्री को टेक केयर कर रहे तो उनके टैक्स कंप्लायसेस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी कि इन कोर्सेज की इंडिया में बहुत डिमांड है और ये डिमांड बढ़ती जा रही है अभी यूएस में थ्री लैख के आसपास जो अकाउंटेंट हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं सीपीए so करने के लिए भी इंडिया में आप देखिए परमानेंट सेंटर है कंटिन्यूस टेस्टिंग सेंटर है इंडिया में यूएस सीपीए के ए के आई एफ आर एस के ईए के क्यों बिकॉज यहां के प्रोफेशनल वहां के लोगों को क्या कर रहे हैं सर्विसेज दे रहे हैं दैट्स वाई डिमांड इज सो हाई स्टार्टिंग पैकेज एक बीकॉम स्टूडेंट को कितना मिलता है इंडिया में आप सिंपल ग्रेजुएट करिए

आर बेसिस पे वर्क वीजा पे जाते हैं आपको पता है कैनेडा में लोग एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं और वो फिफ्टी लैख के आसपास स्पेंड उसके बावजूद उनको जॉब में स्ट्रगल करना पड़ता है बिकॉज दीज कोर्सेस आर नॉट प्रोफेशनल कोर्सेस लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेते हैं लाइक इन एजेंट यूएससीपी तो आपके पास एक टेक्निकल क्रेडिबिलिटी आ जाती है तो आपको यूएस में कैनेडा में भी काफी अच्छी जॉब मिलती है मैंने देखा इंडिया में से अच्छे अच्छे घर के बच्चे फॉरेन कंट्री में जाते हैं फिर वो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं आप किसी मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड में मैकडी में वो पिज्जा बना रहे हैं या किसी स्टोर में काम कर रहे हैं क्या वो टेक्निकल नॉलेज उनके का, वो नॉलेज कोई काम आने वाला है अगर आप अकाउंटिंग में आई एफ आर एस करते हैं या एसीसीए करते सीबीए करते यूएस टेक्सीन करते हैं, तो आपको जॉब कौन सी मिलती आप आपको इस फील्ड में मिलती है सोचिए आप कैनेडा में आपका बिग फोर में प्लेसमेंट हो सकता है ई ए करके आप ऑस्ट्रेलिया में है आपका अगर आप यूएस यूएससीए में कर लें या यूएस यूएससीपीए कर लें तो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज मेरा एक स्टूडेंट निशान आज वो एक सीपीए फॉर्म में काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में और उसका जो पैकेज है वो सेवन ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसने सीपीए के केवल दो पेपर क्लियर किए मुझसे भी फार और ऑडिट अभी अभी उसका क्लियर हो स्टिल वो अंडर प्रिपरेशन में है बट स्टिल ही इज गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी क्योंकि इंटरनेशनल कोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा है दैट्स वाई चाहे फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाए चाहे फिर आप यूएस जाए कैनेडा जाए तो मैं तो जनरली कहूंगा प्लेन वहां पर ग्रेजुएशन करने से या मास्टर करने से बेटर है आप इंडिया से ही एक प्रोफेशनल डिग्री को लेकर वहां पर जाएं आपको कहीं कही ना कहीं इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है ये मेरा आपको एडवाइस बिकॉज वी हैव द एक्सपीरियंस तो अगर आपको पीआर से रिलेटेड करियर एडवाइस से रिलेटेड भी रिक्वायरमेंट हो तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू आर टीम ऑल्सो तो वा जैसे कि आपने स्टार्टअप से स्टार्ट किया है आपको एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है तो आप न्यू जनरेशन को और आने वाले स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहोगे क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि ई कोर्स करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है और किन किन जॉब्स में एक न्यू जनरेशन या स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अपना करियर डेवलप कर सकते हैं देखो आ, अगर आप यूएस टैक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो तो वी नो दैट ई एज द डोर वे फॉर दैट अब वो आपके खुद का डिसीजन है कि आप आ, बिग फोर में जाओगे क्योंकि सी बिग फोर के साथ इट्स अ ब्रांड एसोसिएटेड विद दैट उसका तो ब्रांड वैल्यू है ही है बट मैंने पर्सनली एक स्टार्टअप के साथ क्यों शुरू किया क्योंकि वहां पे आपको कैटर करना पड़ता है पूरा काम फ्रॉम ए टू जेड बट बिग फोर में ऐसा नहीं होता आपको एक पर्टिकुलर डोमेन मिलता है पर्टिकुलर प्रोफाइल मिलती है उसी में आपको काम करना होता है हाँ विद द टाइम क्योंकि आपके सीवी में बिग फोर एड हो जाता है तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प करता है बट मैंने प्रायोरिटाइज किया नॉलेज को और इस अगर आप स्टार्टअप के साथ शुरू करोगे तो नॉलेज के साथ साथ उसके बाद आप बिग फोर में जाते हो वहां एक स्टार्टअप का एक्सपीरियंस ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये मैंने अपनी रिसर्च कर इलेवन पूरा कैटर समझा किस तरह काम होता है इलेवन में फिर जाके अगर अब अपने आपको देखता हूँ अब मैं आराम से मेरे पास एक एक्सपीरियंस है स्टार्टअप का जो मेरे को हेल्प करेगा अपने लॉन्ग टर्म गोल को फ्यूचर में किसी अच्छे ब्रांड के साथ एसोसिएट करने में तो देखिए इस पूरी कॉन्वर्सेशन में जैसे क्वेश्चन का एड्रेस किया मैं यूथ को एक जाते जाती ये कहना चाहूंगा कि देखिए इफ यू डोंट हैव प्रोफेशनल डेजिग्नेशन आपका लाइफ में कुछ नहीं हो सकता विदाउट स्किल विदाउट क्रेडिबिलिटी आपको अच्छी कंपनीज में जॉब नहीं मिलेगी देखिए एक्सेप्शन हो सकते हैं हर बंदा रणछोर दास नहीं हो सकता हर बंदा रेंचो नहीं हो सकता कि आप उसके पास बिना डिग्री के भी वो लाइफ में सक्सेस हो जाए तो यू शुड हैव सम क्रेडिबल

जी इस पॉडकास्ट में जो भी सर हमने बात करी अगर एक जो भी व्यूअर इसको देखेगा वो क्या एक्चुअलाइज करे पॉडकास्ट देख के कि क्या करूं अब मैं आगे लाइफ में एक टिप अगर आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस में खत्म करनी हो बात देखिए में होती है एनर्जी बस इस एनर्जी को सही चैनलाइज करने की जरूरत है और आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है मेरा मानना है कि आज की जनरेशन इतनी मतलब स्ट्रांग है कि अगर आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए ना तो यू कैन डू मैजिकल सो मैं यही कहूंगा कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं आप प्रोफेशनल डेजिग्नेशन के साथ में जाइए इट विल चेंज योअर इंटायर लाइफ नॉट योर लाइफ इट कैन चेंज योअर होल जनरेशन इट कैन चेंज योअर होल जनरेशन लाइफ सो यही मेरी एक एडवाइस होगी और मैं हमेशा अपने बी कॉम वाले स्टूडेंट से कहता हूं कि आपको हमेशा ये मानना चाहिए कि आई डिजर्व बेटर इफ यू फील दैट डिजर्व बेटर बेटर आपके साथ में होना उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है और ये दिवाली का मन चल रहा है तो अपने आप ये आप आपको अपने को गिफ्ट देना चाहिए सबसे बड़ा गिफ्ट देना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट दिवाली सीपीए बनकर या EA बन बनकर सेलिब्रेट करना है तो ये मेरी एक एडवाइस होगी राइट सर थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर थैंक यू थैंक यू अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है किसी और टॉपिक के रिलेटेड प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए वी विल डेफिनेटली ट्राई आयर बेस्ट टू रीच आउट टू यू पर्सनली थैंक यू इफ यू रियली लाइक द पॉडकास्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अर चैनल थैंक यू सो मच